इसको गले लगाने का मन कर रहा है पर नहीं कर सकता अभी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो पे। और दोस्तों आज संडे है और अभी 11:30 बजने वाले हैं। मैं लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा ज़्यादा सो गया था, 8 बजे तक सो गया था। और वाइफ आज संडे में है, घर में है, इसलिए दुकान खोल के रखते हुए मैं सोया हुआ था, लेट से उठा और सीधा नहा धो के दुकान पे आ गया। नाश्ता वास्ता कुछ बना नहीं है। और दोस्तों वाइफ बोल रही थी कि आज रौलगला जाके मैं कुछ सामान एक्स्ट्रा लाऊंगी, तो कुछ सामान भरा भरा टाइप का लगेगा शायद, जाएगी रौलगला वो जवाई के साथ, तो उधर से आज एक्स्ट्रा कुछ सामान लाएंगे। कुछ इधर इधर उधर से पैसा हो गया था, वो मैं बाद में बताऊँगा कि कहाँ से पैसा आया था। तो वही पैसा को अभी हम लोग दुकान में लगा रहे। जो जो आदमी खोजते हैं, जैसे कि नमक हो गया, तेल हो गया, कुछ इस तरह का सामान, और दो चार कुछ सामान दुकान में बढ़ जाएगा तो शाम को दिखाऊंगा मैं आपको। और आज गाड़ी वाला भी आके चला गया, मैं उससे सामान ज़्यादा रखा नहीं क्योंकि इधर से लाना है। और तो अभी तो बारिश हो रहा है, तो देखते हैं कब जाएगी। अभी बच्चे अभी उसकी माँ घर में है, तो बहुत भयंकर परेशान कर रहे हैं आज। और आज दोस्त के पास भी जाना है, पर देखते हैं। आज दुकान का मेरा अंडा भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसको भी कभी लाना जाना पड़ेगा। और सोच रहा हूँ कि आज संडे है, घर में सब है, इसलिए ये जो पाइप में लगाना था उसको भी लगा दूंगा। पर देखते हैं आज दुकान खुला होगा या नहीं। हार्डवेयर दुकान वहाँ से लाना है पाइप, वहाँ से ला के इसको भी सजा दूंगा ताकि सब अलग अलग आइटम अलग अलग रखा जाए। तो देखते हैं। तो दोस्तों अभी मेरी वाइफ निकल रही है लाने के लिए कि मार्केट जाने के लिए, और बारिश भी हो रहा है। अभी बच्चों को फिर संभालना पड़ेगा, फिर क्या क्या करेंगे, अभी दिमाग ख़राब कर देंगे। अभी बच्चों को दुकान तरफ लाना पड़ेगा, तभी वो जाए पाएगी घर से। तो चलिए चलते हैं, लाते हैं उनको। चलो उठा दे, हम दुकान ही में चलो। तो देखिए ये निकल रहे हैं जाने के लिए। लेट स्टार्ट कर लो। तो ये है दामाद जी और ये है मुरकोनिया। चलो ना, चलो दुकान लोकेशन, चलो 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 जमा। ए शरद, शरद चलो 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 दुकान में, चलो 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 पापू पापू पापू। दोस्तों अभी दुकान पे हाथ हो गए हैं। ये लोग को देखिए, ये लोग क्या कर रहा है, अभी अभी चिल्लाएगा। अभी वो लोग जाएंगी दुकान मार्केट, कितना टाइम लगेगा पता नहीं। मुझे भी कोल्ड ड्रिंक लाने जाना है, फिर इधर दुकान, फिर ये भी खरीदने जाना है पाइप, उसके बाद पेट्रोल मुझे 30 रुपये का खरीदने जाना है ताकि मुझे पता चले कि सामने वाला कितना देता है 30 का, वही हिसाब से मैं भी दूंगा। और दोस्त के पास भी जाना है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। वो लोग निकल गए हैं शायद, देखिए निकल गए, वो लोग निकल चुके हैं, वो जा रहे हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या लाते हैं। आज सामान दुकान में बढ़ ही जाएगा क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा सामान भी आ रहा है, और ये सब सामान भी यहीं आएगा, पर कुछ एक्स्ट्रा नया सामान भी आएगा दुकान के लिए। तो कल से आपको दुकान नया दिखेगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखेगा, क्योंकि अब तेल वेल नमक वमक जितना भी है ये सब नहीं मिलेगा अभी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों ये कितना चिड़चिड़ा हो चुका है, देखिए ये दिमाग खराब कर रखा है, देख रहे ये मतलब का रोते रहता है दिन भर। ये देखिए इसको, ये ज़्यादा दुलार करने से ऐसे होता है, ये आराम से उसका खेलते रहता है, बाई चांस कभी भूख भूख लगता है तो ये करता है, नहीं तो देखिए मस्त खेल रहा है अपना। इसको देखिए कहाँ लगता है, कोरबा खुरी थाली। तो पैसा अभी कस्टमर आया था, तो उसको हम लोग सामान देने से पहले ये खुद ले लेता है। अभी ये देखिए पैसा को खुद रखेगा,
हाँ एखे दे बेटा मुझे रखी देवी ना दे बाबू दे ओके ओके दे फाटी ये खुद रखेगा इसको उठा लेते हैं ये खुद रखेगा देखिए हाँ चल रख 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 ओके शांति अभी ना और शांति है ना मास में उधर आ चलो तो दोस्तों मैं देखिए बच्चों को सुलाने के लिए आया हूँ आज खुद ये लोग बोला कि मैं सोऊंगा बोल के तो मैं ये लोग को सुलाने के लिए आया हूँ एक तो सो गया है पर एक नोटों के लगा रहा है देखिए कैसे देखिए सो गया और इधर इधर नोटों के लगा रहा देखिए कैसे डायरेक्ट कर जल्दी दूध का डिब्बा देने से ही खेलते रहता है जल्दी सोता नहीं है सरा सिपड़ो सिपड़ो ये घूंगा बपटा घूंगा को ना ये दोस्तों तो अभी मेरी वाइफ आ चुकी है सामान वामान लेके शायद जगह नहीं हुआ इसलिए टेम्पो में आ रही है स्कूटी में गई थी पर टेम्पो में आ रही है तो चलिए देखते हैं आई शायद ये वाला होगा टेम्पो देखते हैं तो ये है दोस्तों देखिए सामान सब पैकिंग करके लाई है और तो यही है तो चलिए पहले रख लेते हैं सामान क्या क्या है उसके बाद देखते हैं नाला रोड पछला रोड गुटे रास्ता अच्छी हले भाटी रोड जड़ी तो ड्रेस आना थी महा का ता पछो लाइन रे गुटे गुटे दुकान अच्छी हेड सब बणबो केते रे चेंज कर लन कहत तुम दुकान एता समय गलो खा हेता समय कर मुई खा गलो साइकिल जे लेस आनली ना आ इनका जो लेस दुकान ओली हे लेस दुकान सरफ साब हेड खाली सरफ साबुन छाड़े किरी ना जतकी खा गलो हेती खा चेंज हलन दुकान अखन बोलो अलगा जे बुढाटा ही अलगा दुकान थिबो जतकी रे दुकान बोलो अथीटा जानबो ना खाली खोली दोना ग्लास ना तो दोस्तों देखिए ये अभी जस्ट आई है और सामान लेके आई है ये देखिए इधर बोरा उठा नहीं पाई इसमें नमक से है और जो भी है इधर है देखिए खाली कहाँ कही थे मुझे सरप्राइज तर मु हे जिनिस रागे का का जानबो तमे कह किना ई कह जारु नबे सब नाय बते किना भी लेका तर सरप्राइज देबे कह प्राइज दबु जे तई सफरी थे मुहे जिनिस जानि नथि भर कर का रे का के बीच भी है ना तर अचानक तो जानबो ना हले खुश हबो ना खुश हबो पागल सर को देखिए सर ये दाल उल भी ले आई और मशीन भी लाई सर मैं कभी बेचा नहीं हूं इसमें पहले समझ लेते ये जान लेते उसके बाद लाती और इधर देखिए इसमें भरा हुआ है सामान ये सब डाली मोटर मतलब बहुत बहुत सामान आ गया है जितना दुकान में सामान था उससे ज्यादा भी शायद आ गया है ये है सब तेल है हाफ लीटर वाला तेल है इसमें शायद बिस्किट विस्किट होगा सर ये पता नहीं क्या है देखते हैं पहले सजाएंगे उसके बाद और बिना पूछे इधर से अपने तरफ से ले आइए दाल वाल तेरा कहीं आई थी रखी थी और मशीन भी खरीद के ला रही है शायद वजन करने के लिए सर आपको राइस दूछे सर एठी अच्छी तेल तो उसको पहले घुसा लेते हैं देख दर। दर। उठा तो देखिए दोस्तों ये मेरे को बोल के गया था कि मेरे पास 8 से 7 हज़ार रुपये है सामान लाने के लिए अरे अभी बोल रहा है 18 हज़ार पाक हो गया है माल है पैसा के ना लाते थे तो रू 10 हज़ार ना थी एटा हले अब पैसा कर लू जगह कर लू एटा नी ना नी ना नी ना हम तो पैसा 17-18 हज़ार रुपये का माल ले आया है देखिए दोस्तों इसको तो मुझे बिना बताए अभी ऐसे ऐसे सामान है कि सर मैं दुकान में बैठा हूँ अभी तो बच्चे सबको फेंक के इधर उधर कर देंगे अब टेंशन फिर बढ़ जाएगा मेरा पोतरे न तो आगे जिनिस के इंदी काण कर पड़े ये मसाला टाका दे ये तेल टा ये तेल तेल सब आया है दोस्तों अभी तो देखते हैं अभी इसको सजा देंगे अभी अभी सजाएंगे या कल सजाएंगे पता नहीं नहीं ये भी सजा सही सब कुछ कर दे तो देखते हैं किधर क्या करना है ये दिख रहा है इसको बिना पूछे मेरे इतना कितना सामान ले आई देखिए ये मां कंफर्ट नहीं ऐसे बोला कोई लिए लेकिन नहीं निकला अभी मोल नहीं है तो इतना इतना सामान लाई है मेरे से छिपा के रखी शायद इतना इतना पैसा है अभी
अभी उधर से बोल रही है कितना का सामान आया। देखिए इसको देखिए दिया केना आला बाकी बोलता हूँ दिया दिया तुम क्या करो इतना सामान अभी राशन दुकान बनाने के चक्कर में हम चखना दुकान बनाने के चक्कर में ये लोग खुद बिना पूछे भरते जा रहा हमारे इधर देखिए किधर के लिए आ जा रहे भाई भी जा रहे किधर के लिए जा रहे काम दिया खाई लोग किधर तो खाई कौन बुझा खुजरा पैसा तो नहीं सॉरी खाना उन्हें भी खाई नहीं है अभी अब मशीन भी आ रहा है शायद वजन वाला मशीन दुकान रोक कोई की गला बंद कर दला बंद कर दला बड़े मेरे दामाद वो लेके आ रही है पैसा डाल दिया मैं नहीं करा उसी दली पैसा डाल कितना वाला हम खर्चा नहीं 1819 भीतर मार्च ही तो उनका वाला 1819 भीतर कितने बोटा तो दोस्तों इतना सामान देके खुश होना चाहिए अपने दुकान के लिए पर मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है क्योंकि बिना पूछे इतना इतना कुछ ले आई है दाल है क्या क्या चीनी उनी सब कुछ लाई है शायद तो इतना मेरे को अभी मैं इतना रेडी नहीं था पर बिना पूछे इतना इतना ले आइए देखते हैं अभी कहाँ क्या कर रहे हैं पता नहीं कुछ आइडिया नहीं है सब ये बेचने का मुझे ये सब अटक दे रहे खुजी का इतना टुकड़े लगा ये सब ही है दोस्तों ये सब क्या क्या है इतना सारा सामान लाया है अभी बेचने के लिए मेरा ये हो जाएगा देखिए सब में भरा हुआ है पूरा और इधर भी है क्या क्या है इतना इतना चीज़ देख कर देखिए बिना पूछे ले आई थी इसको गले लगाने का मन कर रहा है नहीं कर सकता हस्बैंड वाइफ में चलता है इतना इतना सारे बिना पूछे ले आइए इतना चलता है तो देखिए क्या क्या है अभी बहुत सजा जुगा दुकान में उतना जगह नहीं हो रहा किधर क्या सजाऊँ पता नहीं ये पौधा का देखे दीदी ज़्यादा ही प्यार आ रहा है पर मेरे को गुस्सा भी लगा इसके ऊपर बिना बोले इतना था ये मेरा बच्चों को संभालू ये दुकान में अभी टेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगा देखिए ये दुकान के लिए दुकान का टेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगा सामान ज़्यादा होने से ज़्यादा बढ़ेगा और पैसा भी अगर अभी शाम को इसको कितना कितने दिन पड़वा समझे हैं सर्टों का इसको शाम को 100 रुपये जैसे करके देना पड़ेगा अगर ना दिया तो सुनाएगी तो। देखते हैं अभी दुकान में सामान ज़्यादा है हिसाब से 100 से ज़्यादा दे सकते हैं शायद देखते हैं तो ये दोस्तों अभी 9:30 बज चुका है और मैं इधर आज दुकान को सजा नहीं पाया दिमाग काम नहीं किया मैं यहाँ पे ये भी मिला नहीं पाइप दुकान बंद हो गया था आज संडे है तो इस चक्कर में लगा नहीं पाया इसको कल सजाऊंगा देखते हैं आज तो सजा नहीं पाया कल सजाएंगे फिर दिखाएंगे आपको कि दुकान कैसा लगा है नहीं दोस्तों अभी देखिए इस टाइम में क्या मिला मुझे खाने के लिए ये पड़ोस में हम लोग का कुछ है आदमी है जो कि चाउमीन उमिन बनाते हैं तो आज ला दिए थे हम लोग के लिए क्योंकि हम लोग का रिक्शा जो है उसको उनको ले के जाते हैं शायद उनके इसलिए ले आए थे तो बहुत दिन के बाद चाउमीन खाने के लिए मिल रहा है तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं पर ख़त्म करते हैं और अभी हिसाब किया नहीं हूँ तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में तब तक के लिए गुड नाइट और गुड बाय।